लगातार तुसी चार दिन तो ये सारिया गल्लां बातां जिहड़ियां सुणदे आ रहे हो वख वख बुलारिया ने इत्थे तुहानूं सारिया गल्लां बातां दस्सियां ने ते आउणा असी वी 10 तरीक नूं सी पर कुछ कारणां करके नहीं आ सके सो अज पहुंचे आ लेकिन तां मैनूं लगदा कि हर सिख नूं पहुंचना चाहीदा क्योंकि मसला किसी भी जथेबंदी का नहीं है किसी एक आगू का नहीं है तो समुचे सिखा का मसला तो हर सिख नूं पहुंचना चाहिए। आप देखते हैं कि इतों जो कोई वीडियो वायरल होंगी है तो थले बहुत लोग ने जोड़े वो देखते हैं आप अपन टिप्पणियां करते हैं पर जो पहुंचने की गल आती है उदो गिणती बड़ी थोड़ी रह जाती है कि सारा गुस्सा जोड़ा असी वो बैठे फेसबुक की कढ़ लें 328 जड़े श्री गुरु ग्रंथ साहब के सबूत ने वो गायब होए किने कराए किमें होए जिम्मेवार कौन है ये लगातार तुसी भी सुनिया मैं भी सुनिया श्रोमणी कमेटी प्रधान अकाल तख्त साहब के जथेदार उन्हां वल्लों भी ये स्टेटमेंटा बयान आते रहे तो दूजे पासे संघर्ष करने वाली जथेबंदियों वालों भी ये बयान आते रहे पर गल किसी भी नतीजे ते नहीं पहुँच सकी। उदू माड़ी घटना जी मैनूं लगता कि हर सिख ने जी निंदा की होनी है जी परसों घटना वापरी आ उन्होंने टास्क फोर्स वाले ने जिस तरह के नाल इत्थे गुंडागर्दी की एक नहिंग सिंह का सिर भी पाड़िया गया पत्रकारों के नाल भी बदसलूकी की गला कटिया गई धक्के मारे गए सुन मसला आ जाता कि यह वार बार कदे बेअदबी का मसला कदे गुरु ग्रंथ साहब के सरूप गायब हो जाते हैं जो उधर अकाल तख्त साहब से भी इकट्ठ होया तो मैं उत्थे भी गल करता सी मैं यार असी दूर टोटरू हाँ असी कट्ठे नहीं हो सकते हक बनता सी इत्थे आके बैठ तो उत्थे भी अज कुछ जथेबंदियां इकट्ठिया हुई ने इत्थे तुसीं लगातार मेरे अर्गे आउंदे ने टीवी चैनल ते डिबेटां दीआं करके बैठां दीआं देख के अपने विचार दे के चले जाणा मसला उत्थे दा उत्थे ही रह जाणा निकलना कुछ नहीं है जो तुसीं याद रखियो गल क्योंकि आप एक ही नहीं हो सकते सो सब तो वड्डी गल भरावो मैं यही कहना चाहुंदा कि यार एक तुसीं अगे अगे देखी जाओगे किवें किवें वर्तारा मैं तो सारे सियाणे बैठे हो सूझवान बैठे हो पत्रकार बैठे ने जथेबंदियों के आगू बैठे ने कि किवें यह एक एक करके सानू मसलों चल जाना है तुसीं देख लो अगे हुण मैं सुनन च आया मैनूं दस्सिया इत्थे पता लग्या आ के कि इन्हां ने जिहड़ी अपनी ड्यूटी है जिहदे विच गोलियां लगियां होईयां ने उही निशानी बची है इक बाकी सारियां इन्हां ने पूरतियां भी उहनूं भी पूरन की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बार बार साडे नाल इही हुंदा आया बार बार कौम ने धोखे खाते जिहड़े बंदे अगे लग जाओ धोखा कर जांदे आ जिहड़े बंदे अगे लग जाओ फिर कौम नूं होर पासे लै जांदे आ सो अज मैं तो एक बेनती करदा दुनियावी तौर ते सानू कोई आगू नहीं मिल रहा तो एक ही बेनती है कि गुरु ग्रंथ साहब दे लड़दा क्योंकि जे असी गुरु ग्रंथ साहब दे गल लगांगे तो सानू राह भी दिख जूगा ते सानू आगू भी मिल जाएंगे। अगली गल मैं होर कहनी चाहना एक वीर दे उत्ते मैं एक नौजवान होने के नाते जां मेरे वर्गे हजारां नौजवान ने लखां नौजवान ने जिहड़ा दुबदा च ने उहने कहा उह कहिंदा असीं बादलां तों दुखी हैं असीं बादलां नूं छड्डना चाहुंदे हैं पर मूहरे कोल दिखे तां सही यार दसो बरगाड़ी दी आउटपुट की है बरगाड़ी एडा वड्डा मोर्चा भखिया उहदा सानू रिजल्ट की मिलिया प्राप्ति की होई ठीक है जिन्हें प्राप्ति करनी सी कर गए एक दो बंदे फायदे लै गए कौम तो पिछे चली गई निराश चली गई हनेरे वल तक की गई साढ़े दिल टुट गए
ਵੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਕਦੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਚੌਧਰਾਂ ਚੂਧਰਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਲੂੰਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਰਹਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਡਰ ਲੈਸ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੌਮ ਲੀਡਰਹੀਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੌਮ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਯੋਧਾ फेसबुक पेज रहमत टीवी भी लाइक ते फॉलो कर लो।